वेलकम स्टूडेंट्स बी ए पार्ट फर्स्ट ईयर पेपर फर्स्ट इंडियन फिलॉसफी इसमें हम न्याय वैशेषिक दर्शन पर चर्चा कर रहे थे वैशिष्टिक दर्शन में पिछले लेक्चर में सात पदार्थों की व्याख्या की गई है उसी के कंटिन्यूएशन में आज हम वैशेषिक का थ्योरी ऑफ क्रिएशन या सृष्टि और प्रलय प्रलय का मतलब है डिस्ट्रिक्शन ऑफ दी वर्ल्ड यानी सृष्टि और प्रलय संबंधी सिद्धांत दूसरे शब्दों में हम इसको वैशेषिक का जगत संबंधी विचार भी कह सकते हैं या इसे परमाणुवाद का सिद्धांत भी कह सकते हैं न्याय वैशिषिक दर्शन जो है भारतीय दर्शन के जितने भी दूसरे दर्शन हैं उन्हीं की तरह ही विश्व की उत्पत्ति के संबंध में सृष्टिवाद के सिद्धांत को मानते हैं परंतु वैशेषिक का जो सृष्टि सिद्धांत है कुछ अलग ही विशेषताओं को लिए हुए हैं वैशेषिक में जगत की व्याख्या परमाणु के आधार पर की गई है वैशेषिक में कहा गया है कि जगत का निर्माण जो है परमाणुओं से हुआ है और ये परमाणु चार प्रकार के हैं पृथ्वी जल तेज और वायु पृथ्वी जल तेज और वायु के परमाणु परमाणुओं का संयोग और विभाग मनुष्य के कर्म फल के अनुसार होता है आत्मा है जगत है आत्मा है आकाश है देश है काले और मन इन पांच द्रव्यों के परमाणु नहीं होते हैं परमाणु जो है शाश्वत होते हैं यानी इनकी न सृष्टि होती है और न ही विनाश होता है तो निर्माण का मतलब है कि विभिन्न अवयवों का संयुक्त तो हो जाना और विनाश का अर्थ है विभिन्न अवयवों का बिखर जाना तो जो परमाणु हैं वो निरवय हैं इसलिए ये निर्माण और विनाश इन दोनों से ही परे हैं वैशेषिक दर्शन का जो परमाणुवाद का सिद्धांत है वो जगत के उसी भाग की व्याख्या करता है जो अनित्य है अनित्य का अर्थ मैंने पहले भी बताया है जिसका विनाश हो तो जगत के जितने भी नित्य भाग हैं यानी जो कभी नष्ट नहीं होता उनकी व्याख्या जो है परमाणु सिद्धांत के द्वारा नहीं हो पाई है जैसे देश है काल है आत्मा मन और भौतिक परमाणुओं की ये कहते हैं ना तो सृष्टि होती है और ना इनका विनाश होता है तो वैशेषिक का जो सृष्टि संबंधी और प्रलय संबंधी सिद्धांत है वो केवल अनित्य द्रव्यों की सृष्टि और प्रलय का सिद्धांत है ये कहते हैं कि परमाणुओं के संयुक्त होने से वस्तुओं का निर्माण होता है और परमाणुओं का विच्छेद होने से वस्तुओं का भी विच्छेद हो जाता है या नाश हो जाता है परंतु परमाणुओं के संयोजन और पृथक्कीकरण यानी संयुक्त होने के लिए या उनके अलग होने के लिए उनमें एक गति की आवश्यकता होती है क्यों क्योंकि परमाणु स्वयं तो जो है वो निष्क्रिय और गतिहीन होते हैं तो उनको गति देने वाला कोई ऐसा बाह्य कारण होना चाहिए जो इस जगत से बाहर रहकर ही जगत की क्रियाओं को गति प्रदान करें तो वैशेषिक दर्शन के अनुसार परमाणुओं में गति की उत्पत्ति जो है ईश्वर स्वयं करता है ईश्वर की इच्छा से ही सृष्टि होती है ईश्वर की इच्छा से ही प्रलय होता है ठीक है ये कहते हैं कि, कि किसी भी वस्तु के निर्माण में दो प्रकार के कारण पाए जाते हैं एक तो उपादान कारण और दूसरा निमित्त कारण तो इस जगत का जो उपादान कारण है वो चार प्रकार के परमाणुओं को माना गया है और निमित्त कारण जो है ईश्वर को माना गया है तो ईश्वर जो है विश्व का निमित्त कारण इसलिए भी है कि वो जीवों को उनके अदृष्ट के अनुसार यानी धर्म और अधर्म के अनुसार कर्म फल का भोग कराने के लिए परमाणुओं में क्रिया उत्पन्न करता है तो वैशेषिक दर्शन में परमाणुओं का जो संयोग है उसकी एक अलग ही व्याख्या की गई है परमाणुओं के संयोग से यानी दो परमाणुओं के संयोग से एक द्वैणुक का निर्माण होता है तीन द्वैणुकों के संयोग से एक त्रैणुक यानी त्रस रेणु का निर्माण होता है चार त्रैणुक जो चार त्रैणुओं के संयोग से एक चतुरुणुक का निर्माण होता है जब चतुरुणुक छोटी बड़ी संख्याओं में संयुक्त होता है तब छोटे बड़े द्रव्यों का भी विकास होता है ठीक है तो इस प्रकार यद्यपि सृष्टि तो परमाणु के द्वारा होती है फिर भी विश्व में एक प्रकार का क्रम या व्यवस्था देखने को मिलती है तो इसी कारण वैशेषिक का जो दृष्टिकोण है आध्यात्मिक भी कह सक कहा जा सकता है ये विश्व में जो व्यवस्था है उसका कारण जो है जीवात्माओं जीवात्माएं जितनी भी जगत में उनके पहले के कर्मों का परिणाम है अदृष्ट नियम से प्रभावित होकर ही ईश्वर जो है सृष्टि का कार्य संपादित करता है जीवात्मा जो है वो अपनी बुद्धि कर्म और ज्ञान के अनुसार ही सुख दुख का भोग करती है ईश्वर जीवों को उनके सुख दुख के लिए उनके धर्म और अधर्म के अनुसार परमाणुओं की सहायता से सृष्टि करता है इस तरह वैशेषिक सृष्टि का जो चक्र है वो अनंत काल तक जारी नहीं रह सकता ऐसा मानते हैं सृष्टि के बाद प्रलय भी होता है जिस तरह से दिन के बाद रात होती है उसी तरह से सृष्टि के बाद प्रलय भी होता है तो दिन भर के जैसे कठोर श्रम में जब हम थक जाते हैं तो व्यक्ति जो है रात्रि में विश्राम की आवश्यकता महसूस करता है उसी तरह से अलग अलग योनियों में सुख दुख की अनुभूति प्राप्त करने के बाद जीवों को भी विश्राम करने का अवसर दिया जाता है तो इसी को ही प्रलय कहा जाता है दो प्रलयों के बाद में जो सृष्टि होती है उसे कल्प कहा गया है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये बीस शब्दों में आपके ये क्वेश्चन आता है कि कल्प किसे कहते हैं तो दो प्रलयों के बाद जो सृष्टि होती है उसे कल्प कहा जाता है एक कल्प के बाद दूसरे कल्प का आगमन होता है इस तरह से ये जो क्रम जो है निरंतर चलता रहता है ठीक है इस प्रकार वैशिष्टिक दर्शन में प्रलय की अवस्था की चर्चा की गई है इन सब के अतिरिक्त वैशेषिक ने नैतिक नियम को भी सृष्टि में सहायक माना है इसलिए वैशेषिक का दृष्टिकोण जो है अध्यात्मवाद और नैतिकता से भी प्रभावित हुआ है ये था वैशेषिक दर्शन का परमाणुवाद का सिद्धांत या सृष्टि और प्रलय का सिद्धांत दूसरे शब्दों में हम जगत संबंधी विचार भी कह सकते हैं ओके okay, तो आज ये चैप्टर वैशेषिक दर्शन समाप्त हुआ इसमें मुख्य रूप से दो ही सिद्धांत हैं वैशेषिक के साथ पदार्थ और परमाणुवाद का सिद्धांत ठीक है ओके थैंक यू